अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद अहमद। आप देख लो मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहन भाई ठीक और खैरियत से होंगे। आपकी दुआ और फजल करम से मैं भी ठीक हूं। जो मैं इस वक्त अपने घर के बाहर खाली प्लाट है, मैं उस जगह पे बैठा हूं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं आपको आज जो दिखाऊँगा इस व्लॉग में, वो आप देख कर बहुत ही हैरानगुन हो जाओगे कि आज हमारे राजनपुर में जो नाई कॉलोनी सिटी गार्डन तैयार हो रहा है, मैं आज आपको इस व्लॉग में वो दिखाऊंगा। तो आप वो चीज़ देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। मैं आपको व्लॉग में ऐसे ही बताता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूला करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो हर आप तक पहुँचती रहे। तो मैं आपको आज जो भी दिखाऊँगा, जी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने घर से अपनी बाइक पैर निकाली है। तो आप देख रहे हो बाहर का माहौल बहुत ही बैर फसल है। ये सामने ज्वार नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अब मैं सिटी गार्डन की तरफ जा रहा हूँ अपनी बाइक पर। तो सिटी गार्डन में आपको दिखाता हूँ कि उसका अंदरूनी वाला हिस्सा कैसा है और बैर वाला हिस्सा कितना खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं वहीं पर। आप अभी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सिटी गार्डन है वहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये वन वे रोड है, बिल्कुल। तो ये वन वे रोड है, उस रोड के ऊपर ही है बिल्कुल। एक अंदर वाला हिस्सा तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह लगी है वो भी बहुत खूबसूरत है। और इसके अंदर है जो वो फतूरगंज ग्राम की है, तो और मस्जिद वगैरह है वो भी इसके अंदर, उसका भी इंतजाम है। तो इसमें काफ़ी सहूलियात हैं, खाने की सहूलियात है। पैर आप देख रहे हो सपोर्टी है, सपोर्टी की भी सहूलियात है। तो ये जो सिटी गार्डन तैयार हो रही है, ये बनाने वाले का नाम सरदार अमर अली खान फिशक है, जो MP है हमारे निजी गाँव के रहने वाला है। तो उसकी ये मेहरबानी है, वो गरीब आवाम के लिए ये सिटी गार्डन तैयार कर रहा है, जो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत है। और आपको मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ तो वो भी थोड़ी है। आप खुद भी इसको देख सकते हैं, इसका अंदर वाला हिस्सा, पैर वाला हिस्सा देख रहे हैं। जी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सिटी गार्डन है उसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके अंदर ये जो चौक है, चौक चुरंगी इस चौक का नाम है। और ये सामने देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का घर है। आप हमें कमेंट में ये भी बताना ये घर कैसा आपको लगा। ये मस्जिद तैयार हो रही है,
तो इसके अंदर इधर से आप देख सकते हो जो ये इधर आप देख सकते हो इधर वाले प्लाट की जो कीमत है 3.5 लाख रुपए मरला है। तो जो इस चौक चुरंगी से मस्जिद के बैक साइड पे है तो इसका 3 लाख रुपए मरला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है और आप देख रहे हो कि मस्जिद है जो अल्लाह पाक का घर बना है ये भी बहुत खूबसूरत है और जो सिटी गार्डन के अंदर ये कोठियाँ तैयार हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैं ये आपको सब चीज़ें जो अंदर मैं इस सब चीज़ों की आपको विज़िट कराता हूँ तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर मिलते हैं इस व्लॉग में। जी आप देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह जो खूबसूरत पार्क है हम उस पार्क में मौजूद हैं। तो इस सिटी गार्डन का विज़िट करने का असल में मकसद भी यही है कि हम ख़ुद भी यहाँ पे प्लाट लेना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखी आपने भी देखी ये बहुत खूबसूरत है। तो आप इस कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि ये सिटी गार्डन देखने में आपको कैसी लगी। ये पार्क है और वो आपने पहले देखी वो मस्जिद थी जो इसमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद तैयार हो रही है जिसमें बच्चे हाफिज़े कुरान भी बन सकते हैं। तो पार्क भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो हमने विज़िट की इसको इंशाल्लाह जो हमारा अगला व्लॉग होगा उस व्लॉग में हम आपको ज़रूर बताएँगे कि आप हम प्लाट कहाँ पर ले रहे हैं तो कितने मरले प्लाट ले रहे हैं ये हम रात को आज सोचेंगे फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह आप भाइयों को भी ज़रूर बताएँगे। तो हमारे व्यूअर्स हमें थोड़ी सी हेल्प की करें कि हमारे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। तो आप हमारी ये जो पार्क है तो आप ये पार्क देख सकते हैं। जी अब मैं इसी व्लॉग में अपना एंड करता हूँ। आपको जो सिटी गार्डन के बारे में बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है आप हमको बता सकते हैं। तो मैं अब इस व्लॉग में अपना एंड करता हूं तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम फिर ज़रूर मिलेंगे। तो आपको मैं आप एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम अल्लाह।